आइए अब स्टार्ट करते हैं मनी मार्केट क्या होती है, उसको थोड़ा डिटेल में चलते हैं और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में, मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, मनी मार्केट में जाएंगे। मनी एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू वन ईयर आर डील्ड इन मनी मार्केट, यानी मनी मार्केट पे कौन से इंस्ट्रूमेंट डील किए जाते हैं जिसकी मैच्योरिटी एक साल से कम होती है। दीज आर कॉल्ड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी। इसको क्लोज सब्स्टिट्यूट क्यों कहा जाता है मनी का, क्योंकि कायदे से देखो तो एक साल का पीरियड बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता। कुछ इंस्ट्रूमेंट 15 दिन के लिए इशू किए जाते हैं, कुछ 3 महीने के लिए, कुछ 6 महीने के लिए, बट इट्स लेस देन 12 मंथ्स, तो ये एक मनी का क्लोज सब्स्टिट्यूट माना जाता है, राइट। दूसरा मार्केट ऑफ लो रिस्क, इसमें रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क कम इसलिए होता है क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड बहुत ही कम है, इट्स जस्ट लेस देन 12 मंथ्स, तो बहुत लंबा पीरियड नहीं होता बिजनेस के हिसाब से। हाँ, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो 15 साल 20 साल के लिए इशू किया गया है तो उसमें रिस्क काफ़ी हाई होता है, क्योंकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना खासकर फाइनेंस में बहुत मुश्किल होता है। तो जहाँ मैच्योरिटी पीरियड बहुत कम समय के लिए है तो मार्केट बहुत लो रिस्क पर होती है इस केस में। द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट कौन कौन है, इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो इस मार्केट में डील करते हैं, उसमें आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, लार्ज कॉरपोरेट हाउसेस एंड म्यूचुअल फंड्स। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है और आपसे पूछा जा सकता है, नेम टू मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट, ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको आंसर इनमें से कोई भी दो लिखने होंगे, मसलन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, कमर्शियल बैंक्स कर सकते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कौन सी होती है बेटा, ये जैसे मुथूट फाइनेंस है, आपको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, इट्स नॉट ए बैंकिंग कंपनी लेकिन ये आपको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट्स हो गया, लार्ज कॉरपोरेट हाउसेज हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इनमें से कोई भी आप दो पॉइंट लिख सकते हो अगर आपसे पूछा जाए नेम टू पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट, तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं कोई भी दो। अब डिस्कस करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। आई होप आपने ज़रूर लिख लिया होगा, इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। पहला मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल इट इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए, पहले मैं आपको ये समझा दूँ क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि आपसे जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये केस स्टडी में दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। जी हाँ, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो डोंट वरी, आप ये मत सोचिएगा नहीं आएगा, पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं, कैसे पता चलेगा ट्रेजरी बिल क्या होता है। ट्रेजरी बिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ करती है। पहला क्लू ध्यान रखिएगा, ये क्लू है आपके पास में जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब इसके पॉइंट कौन कौन से आते हैं। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक छोटा सा यानी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है बोरोइंग करने का। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कई बार फिजिकल डेफिशिट आ जाती है, यानी खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और टैक्स रेवेन्यू कम होता है, तो गवर्नमेंट में ऐसे समय में ट्रेजरी बिल इशू कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और अभी जिस तरीके से आपने देखा कि कोरोना कॉल के अंदर में बहुत समय ऐसा रहा, गवर्नमेंट का जो खर्चा था बहुत ज़्यादा था, इनकम कम थी, ऐसे समय में गवर्नमेंट चाहे तो ट्रेजरी बिल इशू कर सकती है और पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकती है टिल द टाइम गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए, राइट। इसकी मैच्योरिटी लेस देन वन ईयर होती है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी हमेशा एक साल से कम होती है। इट इज़ नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। जरा ध्यान से समझिए, इसको जेम्स बॉन्ड कह सकते हो, नहीं जीरो कूपन बॉन्ड। देखो, जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आपको इसको समझने के लिए छोटा सा पॉइंट आपको याद होगा। हम इसमें क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि आज आप जो है मुझे 95,000 रुपीज दीजिए और आपसे 3 महीने बाद मुझसे 1,00,000 रुपए वापस ले लीजिए। दोबारा बताऊं, गवर्नमेंट आपसे कहती है कि आप 95,000 रुपीज आज दीजिए और आपसे 3 महीने बाद 1,00,000 रुपए वापस ले लीजिए। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, याद आया कुछ। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, हाँ जी। तो ये इंस्ट्रूमेंट भी ऐसे ही इशू किए जाते हैं, डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और पार पर रिडीम होते हैं।
इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता, यानी गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आप 1 लाख का ट्रेजरी बिल खरीद लो, मैं आपको 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पेमेंट करूंगी इंटरेस्ट का, ऐसा नहीं होता। इस इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट पे नहीं होता, सिर्फ आप ये कह सकते हो कि एक अश्योर्ड अमाउंट होता है जो आपको मिलता है। जैसे मैंने कहा कि आपने 95,000 रुपीज़ देने हैं और 3 महीने बाद गवर्नमेंट आपको जो है कितने पैसे दे देगी, 1 लाख, तो आपकी अश्योर्ड इनकम कितनी हो गई, 5,000। आपने इन्वेस्ट किए थे 95,000 और रिटर्न कितने मिल रहे हैं, 1 लाख रुपये, तो 5,000 पे क्या हो गई आपकी इनकम। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, ज़ीरो कूपन बॉन्ड, यानी ट्रेजरी बिल का अब एक और नाम आ गया, उसको क्या बोलते हैं हम, ज़ीरो कूपन बॉन्ड। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन ज़ीरो कूपन बॉन्ड, और आप लिख कर आना राम सर ने तो कराया नहीं, समझ गए बात, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन ज़ीरो कूपन बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी बिल, राइट। अगला पॉइंट आता है इसी, इट इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू करती है आरबीआई के थ्रू। देखो यहाँ पर गवर्नमेंट खुद नहीं जाती है पब्लिक के पास क्या पैसा दे दो, आरबीआई इशू करता है ट्रेजरी बिल ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ आ गई बात, एक और क्लू मिल गया आपको, ये क्लू आपको याद रखने हैं बेटे, इसी से आप सॉल्व कर पाएंगे केस स्टडीज को। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट, जैसे आपका 100 रुपये का नोट होता है उसमें प्रॉमिस लिखा होता है ना गवर्नर का, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर का, आई प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ अमाउंट टू द बियरर ऑफ द करेंसी, बिल्कुल ठीक इसी तरह से ट्रेजरी बिल भी प्रॉमिसरी नोट होता है, यानी गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस करती है कि वो आपको टाइम पर पैसा वापस दे देगी। इट इज़ हाईली लिक्विड, लिक्विड इसलिए हाईली कहा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट आपको दे रही है तो वहाँ पर ना पेमेंट होने का डाउट ही खत्म हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद करेंसी प्रिंट करती है तो ऐसा तो मुश्किल है कि आपके पास में पैसा ना आए, तो हाईली लिक्विड होता है। एश्योर्ड रिटर्न होती है, जैसे 5,000 रुपये हमने एग्जाम्पल लिया इनकम थी। नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, कि कंपनी हो तो डिफॉल्ट होने का चांस होता है, कंपनी भाग जाए, कंपनी आपको पेमेंट ना करे, इट मे हैपन्स, लेकिन यहाँ पर रिस्क जो गवर्नमेंट क्योंकि आपको इश्यू कर रही है तो रिस्क जो डिफॉल्ट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। इट इज़ इशूड एट डिस्काउंट, रीपेड एट पार, डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और रीपेड एट पार होता है। डिफरेंस सो कॉल्ड इज डिस्काउंट, यानी कि जो 95,000 में इशू किया और 1 लाख में मेच्योरिटी है, जो डिस्काउंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम। जो 5,000 रुपये क्या है वो डिस्काउंट है। मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000 एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ, अनदर इंपॉर्टेंट क्लू। जो ट्रेजरी बिल इशू किए जाते हैं वो 25,000 के डिनोमिनेशन में किए जाते हैं, यानी आप 10,000 पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 20,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन ट्रेजरी बिल के अंदर। क्या बात है, कितने सारे क्लूज, पहला गवर्नमेंट इशू करती है, दूसरा जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है, तीसरा आरबीआई इशू करती है, हाईली लिक्विड होता है, नेग्लिजिबल रिस्क होता है, डिस्काउंट पर इशू होते हैं, रिडीम पार पर होता है, और 25,000 के मल्टीप्लिकेशन में इशू किए जाते हैं। तो बहुत सारे क्लूज हैं जो आपको केस स्टडी को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करेंगे। अब इन क्लूज को याद कैसे किया जाए सर, सिर्फ आप एक बार याद कर लेना ट्रेजरी बिल, तो आपको याद हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। पहले इन पॉइंट्स को नोट करना चाहो कर लो, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, ट्रेजरी बिल। जी हाँ, ट्रेजरी बिल का एक्रोनिम ही ट्रेजरी बिल है। टी से टिकट साइज, यानी कि आप 25,000 के डिनोमिनेशन में इसको इशू कर सकती है गवर्नमेंट। रिडीम लेस देन 1 ईयर होता है, इजिली लिक्विड होता है, एश्योर्ड रिटर्न होती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है लेस देन 1 ईयर। अनसेफ की बात कहें ना, जी ना, इट्स एट जीरो रिस्क है यार, कोई रिस्क नहीं है। इसको रीनेम कहीं जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। वाई, वाई मतलब इनकम, इकोनॉमिक्स में वाई किसको डिनोट करता है, इनकम को, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। बुक एट डिस्काउंट, रीपेड एट पार, डिस्काउंट पर इशू होता है, पार पर रिडीम होता है, इशूड बाय आरबीआई एंड लुक लाइक प्रोमिसरी नोट, और ये प्रोमिसरी नोट की तरह लगता है। प्लीज नोट डाउन दिस ऑल पॉइंट्स, ट्रेजरी बिल विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ, इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नोट डाउन ट्रेजरी बिल, जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। अगला जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आता है वो कौन सा है, ट्रेजरी बिल नोट कर लिया ना, कमर्शियल पेपर। अब इसमें एक क्लू हमें क्या मिलता है, कमर्शियल पेपर आर यूज बाय दी कंपनीज। अब ध्यान से समझो, जो पहले वाला इंस्ट्रूमेंट था वो कौन यूज करता है,
आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो क्लू था। ये जो कमर्शियल पेपर की बात करें, दीज आर यूज बाय द कंपनीज, तो पहला क्लू इसको कंपनीज करती हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट, यानी कि ये जो कमर्शियल पेपर है इसको आप नेगोशिएबल, नेगोशिएबल का मतलब क्या है, जिस तरह से रुपीस आप दूसरे को ट्रांसफर करते हो उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं हम लोग। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक एक्ट होता है जिसके अंदर में इंस्ट्रूमेंट मेंशन किए जाते हैं कि कौन कौन से एज ए करेंसी या कौन कौन से एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जा सकते हैं, और कमर्शियल पेपर उनमें से एक आता है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया पैसे, रुपीस, चेक, चेक भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए जब हम किसी को चेक देते हैं तो ये माना जाता है कि हमने इसको पेमेंट कर दी इन फॉर्म ऑफ करेंसी, तो ये नेगोशिएबल है। और ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट है, यानी आप इसको किसी और को एंडोर्स भी कर सकते हो। डिलीवरी विद ए फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, यानी यहाँ पर कंपनी जो है आपको फिक्स मैच्योरिटी पीरियड देती है कि 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद वो आपको पैसा वापस कर देगी। इसके अलावा शॉर्ट टर्म है, ऑफ कोर्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सारे ही शॉर्ट टर्म है। अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट, देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ अनसिक्योर्ड क्योंकि कंपनी इशू कर रही है और कंपनी की रिलायबिलिटी टोटली फ्लक्चुएट कर सकती है, आई मीन कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी भाग भी सकती है, कंपनी देने से मना भी कर सकती है, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो रहती रहती है इसके अंदर में। लेकिन मैं आपको बता दूं कमर्शियल पेपर जो यूज़ किए जाते हैं वो बेसिकली लार्ज क्रेडिट वर्दीनेस कंपनियां ही इशू करती हैं, यानी वो कंपनियां जिनकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत हाई होती है वही कंपनियां इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर पाती हैं। द ओरिजिनल पर्पस ऑफ कमर्शियल पेपर वाज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ कंपनीज, यानी कि इसका जो यूज़ किया जाता है इस कमर्शियल पेपर का, कंपनियां किस चीज़ के लिए यूज़ करती हैं, कंपनियां क्यों पैसे रेज करती हैं इससे? अगर उनको सीजनल फंडिंग चाहिए या सीजनल वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है तब कंपनियां इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करती हैं पैसा रेज करने के लिए। देखो हर कंपनी का कोई ना कोई सीज़न तो ज़रूर आता है, और जब सीज़न आता है तो उस समय हर कंपनी को बहुत सारी फंड की ज़रूरत होती है। उस समय कंपनियां इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके पब्लिक से पैसा रेज करती हैं, फिर जब वो पर्पस सॉल्व हो जाता है यानी सीज़न चला जाता है तो वो पैसा वापस कर देती हैं। इट इज़ सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार, ये भी वही इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्काउंट पर इशू होता है और रिडीम होता है पार पर। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year, इसका मैच्योरिटी 15 दिन से 1 साल के लिए होती है, यानी कंपनी इसको 15 दिन से लेकर के 1 साल तक के लिए इशू कर सकती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग, इसको ब्रिज फाइनेंसिंग का भी नाम दिया जाता है क्योंकि ये गैप को फिल करती है, यानी ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट गैप को फिल करता है सीजन के स्टार्ट होने तक और सीजन के ख़त्म होने तक का जो गैप होता है उस गैप में जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को फिल करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। ये हमारा हो गया मनी मार्केट दूसरा इंस्ट्रूमेंट, और इसको हम बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग, ब्रिज BRIDGE, तो नोट कर लीजिए ब्रिज फाइनेंसिंग का शॉर्ट फॉर्म ब्रिज, यानी इसका बेस जो होता है वो अनसिक्योर्ड होता है, ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट होता है। रिडम्शन जो होती है वो 15 दिन से 1 साल के बीच की होती है। इट इज़ ऑल्सो इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। डिलीवरी जो होती है फिक्स मैच्योरिटी पीरियड में की जाती है। ये सीजनल फंडिंग का अरेंजमेंट करता है और इसको एंडोर्स किया जा सकता है बाय ट्रांसफर, यानी कि जैसे आपने 11th में पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज, वैसे ही इसको भी हम एंडोर्स कर सकते हैं, किसी और के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। राइट, प्लीज नोट डाउन दिस ब्रिज फाइनेंसिंग, नोट कर लिया इसको। अब अगला टॉपिक आता है हमारा इसके अंदर में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम COD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इट इज़ यूज बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड FIs। FIs का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपने FDs वगैरह का नाम सुना है, FD कराते हैं लोग, तो जस्ट वही पैसा रेज करने का सबसे आसान तरीका जो कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। दे आर अनसिक्योर्ड, दे आर नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बियरर फॉर्म। इनमें बहुत सारे जो डिपॉजिट्स होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं क्योंकि बैंक भी हर डिपॉजिट की गारंटी नहीं लेता, ये बहुत कम लोगों को पता है।
राइट, नेगोशिएबल होते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बेयरर फॉर्म का मतलब होता है जिसके हाथ में वो उसी का, जैसे 10 रुपये का नोट बेयरर होता है, अगर मेरे हाथ में है तो वो मेरा है और अगर आपके हाथ में है तो वो आपका है, उसको बोलते हैं बेयरर फॉर्म। इशू टू इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशन एंड कंपनीज, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होते हैं, जो कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, वो इंडिविजुअल आप जैसे मेरे जैसे लोगों को इशू कर सकता है, कॉरपोरेशन को कर सकता है और कंपनीज को भी कर सकता है। दे हेल्प टू मोबिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट जो है मोबिलाइज करता है शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि नॉर्मली जो मैं एफडीज वगैरह कराते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए कराते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल लगभग ऐसे ही। तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सी ओ डी, यानी कॉरपोरेशन कंपनीज को इशू किया जाता है। ओ से ऑफर शॉर्ट फंडिंग, दिस इज डिफाइन एज अनसिक्योर, नेगोशिएबल एंड बेयरर। तो प्लीज नोट डाउन, ये इशू कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नोट कर लीजिए COD। अगला इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा कॉल मनी। पहले समझे इसको कॉल मनी क्यों बोलते हैं। मान लीजिए एक बैंक को पैसे की जरूरत पड़ जाए और वो दूसरे बैंक को कॉल करके बोले भाई कुछ पैसे भिजवा दे, 50 लाख रुपए भिजवा दे, जरूरत पड़ गई है, कल वापस ले लियो। तो एक बैंक दूसरे बैंक से क्या कहेगा, पहले अपना आईडी प्रूफ दे, पैन कार्ड दे, बैंक स्टेटमेंट दे, पहले एलिजिबिलिटी दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे बैंक्स आरबीआई के अंडर में काम करते हैं, दे ऑल आर अप्रूव्ड, ठीक है। तो वहाँ पर उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि एक कॉल पर ही पैसा आ जाता है, यानी एक बैंक दूसरे बैंक से सिर्फ कॉल करके पैसा मंगा सकता है, इसलिए इसको टर्म को नाम दिया गया कॉल मनी। इज दैट क्लियर। ये बेसिकली एक बैंक दूसरे बैंक से जब पैसा मंगाता है कॉल करने पर, उसको कॉल मनी का टर्म दिया गया। इसके फीचर्स क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड, यानी बहुत ही कम समय के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस ये होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक से अरेंज करता है, और रीपेबल यानी कि जैसे ही दूसरा बैंक वापस पैसे मांगता है उसी समय पहला बैंक उसको पैसे वापस कर देता है, जिसको बोलते हैं रीपेबल ऑन डिमांड। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड सबसे कम होता है 1 दिन से लेकर के 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होता। और ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन ही एक बैंक दूसरे बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करने के लिए इसको यूज़ करता है, विच इज़ कॉल्ड कॉल मनी। क्यों करता है, एक बैंक को पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, CRR मेंटेन करने के लिए, कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने के लिए। देखो जब RBI CRR बढ़ा देता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है, तो एक बैंक को उस रेशियो को मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। और मान लीजिए उस बैंक ने वो सारा फंड्स लोन के फॉर्म में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब कोई डिपॉजिटर पैसे देगा कि नहीं देगा, उस दिन आएगा कि नहीं आएगा, ये पता नहीं होता। इसलिए एक बैंक 1 या 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए दूसरे बैंक से पैसे ले लेता है, जस्ट टू मेंटेन CRR, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 दिन से 15 दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही बैंक के पास पैसा आता है वो दूसरे बैंक को पैसे वापस लौटा देता है। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन्स इज नोन एज द कॉल रेट, और जो इंटरेस्ट पे किया जाता है एक बैंक दूसरे बैंक को पे करता है उसको बोलते हैं कॉल रेट, यानी कॉल मनी को मंगाने का रेट इज कॉल्ड कॉल रेट, यानी इंटरेस्ट रेट। इट इज़ हाईली वॉलेटाइल रेट दैट वेरीज फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स इवन फ्रॉम आवर टू आवर, यानी कि जो एक बैंक दूसरे बैंक को जो पैसा देता है उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, कारण डिमांड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। जैसे मान लीजिए ए बैंक को बी बैंक से पैसे लेने हैं, ए बैंक ने फ़ोन किया यार 1 करोड़ रुपये भिजवा दे, चाहिए CRR मेंटेन करनी है। 10 मिनट के बाद ही ए बैंक बी बैंक को बोलता है अरे नहीं नहीं 1 करोड़ छोड़, 70 लाख भिजवा दे, एक कस्टमर आया था 30 लाख रुपये जमा करा गया वो। अब आप देख रहे हो कितनी फास्ट फ्लक्चुएटिंग है, हो सकता है बी बैंक कहे जी मैं 1 करोड़ रुपये दे रहा हूँ तेरे को, लेकिन थोड़ी देर बाद वही मना कर दे कि नहीं नहीं मेरे पास एक कस्टमर आया था वो 50 लाख रुपये निकाल के ले गया। तो जो मनी की सप्लाई और डिमांड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए इसका जो कॉल रेट जिसको इंटरेस्ट रेट जो होता है जिसको कॉल रेट बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, फ्लक्चुएट करता है, आवर टू आवर भी बदल जाता है। समझ गए मेरी बात को,
यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक को जो जिस इंटरेस्ट पर ये पैसा देता है वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग होता है, वो बदल सकता है, घट सकता है, बढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट्स एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। देखो एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा कब मंगाएगा, जब कस्टमर से पैसा मंगाने पर उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होगा तभी। देखो बैंक तो ऑब्वियसली पैसे के पैसा ही उसका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसपे वो काम करता है, इट्स ए प्रोडक्ट फॉर द बैंक्स, मनी इज द प्रोडक्ट। तो बैंक पैसा कहाँ से लेगा सोचो, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा रेट पे मिल रहा है और दूसरा बैंक सस्ते रेट पर दे रहा है तो कहाँ से लेगा बताओ, बैंक से लेगा ना। लेकिन अगर दूसरा बैंक ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और मार्केट से पैसा सस्ता मिल रहा है तो वो कहाँ से लेगा, मार्केट से। इसका मतलब दोनों का रेट अपोजिट होगा, अगर मार्केट का रेट ज़्यादा है तो बैंक का रेट कम होगा और अगर मार्केट का रेट कम है तो बैंक का रेट ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए कॉल रेट में और अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इज दैट क्लियर नाउ? तो इसमें क्या क्लू है, इट इज़ यूज बाय द बैंक टू मेंटेन CRR। इसमें जो मैच्योरिटी पीरियड होता है 1 से 15 दिन का होता है। इंटरेस्ट रेट को कॉल रेट कहते हैं, बहुत ही वोलेटाइल होता है कॉल रेट जो घंटों में बदल जाता है, और कॉल रेट में और अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्लीज़ नोट डाउन ऑल दिस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसका शॉर्टकट है मार्केट, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड करेगा कि क्या रेट होगा। एम से मैच्योरिटी 1 to 15 days, इट अप्लाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल रेट एंड अदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, रीपेबल ऑन डिमांड नोन एज कॉल रेट, एक्सेसिव वॉलेटाइल एंड टू मेंटेन CRR बाय द बैंक्स। चलिए चलते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट पर, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा बेटे अपने कॉपी में, क्योंकि एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है। पांचवा इंस्ट्रूमेंट आता है कमर्शियल बिल। वेरी सिंपल टर्म, बहुत आसान। आप लोगों को याद होगा आपने 11th क्लास में अकाउंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज किया होगा, याद आ गया? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, याद आ गया? एब्सोल्युटली करेक्ट, वही शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इनफैक्ट जो हम बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल देते हैं, आपको याद होगा बैंक से फाइनेंस कराया जाता था, है ना? तो यानी बैंक से फंडिंग मिल जाती थी 3 महीने के लिए, याद आ गया? राइट, वही है ये मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म फंडिंग रेज करने का सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है फर्म्स के लिए खासकर। तो इसको हम बोलते हैं कमर्शियल बिल, यूज बाय द बिजनेस फर्म्स, विच इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज यूज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस फर्म्स। बिजनेस फर्म की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी डेटर से पैसा रिसीव करने का सबसे आसान तरीका है, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा लो। शॉर्ट टर्म और नेगोशिएबल होता है, 3 महीने से ज़्यादा के लिए इशू नहीं होता तो शॉर्ट टर्म हो गया। नेगोशिएबल होता है, आप इसको बैंक में जाकर के कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट इसलिए होता है क्योंकि 3 महीने बाद ऑटोमेटिकली आपको पैसे मिल जाएंगे, किससे, है ना, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है आपसे, उससे आप पैसा ले सकते हैं। यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल ऑफ द फर्म, बेसिकली जब हम उधार माल बेचते हैं तभी इसका यूज़ किया जाता है, और बिल साइन कराया जाता है डेटर से तो बन जाता है बिल्स रिसीवेबल। सेलर कैन वेट टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी और डिस्काउंटेड विद द बैंक। सेलर चाहे तो मैच्योरिटी की डेट तक इसको रख सकता है और कैश करा लेगा, या उसको ज़रूरत है तो वो बैंक में जाकर के इसको डिस्काउंट भी करा सकता है और कैश में कन्वर्ट करा सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रेड बिल। कमर्शियल बिल को ट्रेड बिल भी कहा जाता है, कमर्शियल बिल को ट्रेड बिल भी कहा जाता है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये दो नाम है, ये आपको काफ़ी दिक्कत में ला सकते हैं, तो दो नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा। जैसे कमर्शियल पेपर में 0 coupon bond था, ऐसा था, याद कर लो अच्छे से। ठीक है, ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम क्या था? बिल्कुल, दोबारा जाओ देखो, ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम क्या था, कमर्शियल पेपर का भी दूसरा नाम था, अच्छे से देखो कौन कौन से नाम थे उनके। तो ये दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कमर्शियल बिल को ट्रेड बिल भी कहा जाता है। और ये नॉर्मली कौन यूज़ करता है? फॉर्म्स यूज़ करती हैं। प्लीज़ नोट डाउन फॉर्म्स, FIRMS, फॉर्म्स, FIRMS। फाइनेंस वर्किंग कैपिटल इज़ ए ट्रेड बिल, रिलीफ टू मेक क्रेडिट सेल,
मैच्योरेबल बाय बैंक यानी मैच्योर करा सकते हो बैंक से। सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ये है बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि कमर्शियल बिल। और यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जो कि पांच है, और ये पांचों आपको फीचर्स याद करनी होगी और एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स और अच्छे से इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा।